गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, काफी डिमांड के बाद मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश। मैंने डू फॉर्म का प्रयोग बताया आपको, एच आर एम बाजगर का बताया, तो फिर उसके बाद कुछ लोगों का फोन मेरे पास आया और कहते सर अभी मुझे ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, मैं इस पार्ट को टेंस के बाद पढ़ाने वाला था लेकिन मुझे इसे अभी जस्ट पढ़ाना पड़ा, क्योंकि जब आप शुरू से ही नहीं सीख पाएंगे तो ये नहीं बना पाएंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू ट्रांसलेट हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश कैसे कन्वर्ट करना। हिंदी वाला वाक्य दिया गया है, जैसे मैंने कह दिया मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, कैसे बनाए? बड़ा सिंपल फंडा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप लास्ट में देखें क्या रहा है, रहा कोई क्रिया तो नहीं, अतः उसकी आगे वाला वर्ड लेंगे जा। जाना एक क्रिया होती है जिसे हम मैन वर्ब में रख सकते हैं, क्योंकि दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होती है ऑक्सिलरी और एक होती है एक ऑक्सिलरी दूसरी मैन। अब ऑक्सिलरी वर्ब अलग होती है, मैन अलग होती है। हमें जो प्रश्न करने होते हैं वो मैन वर्ब में करने पड़ते हैं। हमने सबसे पहले इसमें प्रश्न कर दिया कौन जा रहा है, कौन जा रहा है, तो उत्तर जो हमारा मिल जाता है कि मैं जा रहा हूं, क्योंकि सब्जेक्ट बन जाता है। क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है, तो हमारी दो चीजें क्लियर हो जाती हैं। आपको पता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, और फिर उसके बाद मैन वर्ब की जो फॉर्म है वो मैन वर्ब की फॉर्म आती है, फिर ऑब्जेक्ट आकर के अदर वर्ड जो अन्य आते हैं वो आते हैं। आपने देखा कि मैं आ गया यानी कि आई, रहा हूं इसलिए मैं थोड़ा बताने वाला था कि टेंस के बाद बताऊंगा कि रहा हूं। आपने देखा कि अरे यार ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, आपने तुरंत एम लगा दिया क्योंकि आई के साथ एम आता है। आई प्राकृतिक रूप से सैम सिंगुलर माना जाता है, लेकिन यूज के आधार पर बहुवचन माना जाता है। गो यानी क्रिया हो गई यानी कि मैन वर्ब, और आपको पता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस में यानी एम के साथ आई एन जी लगता है, एक हो गया। अब आपने एक प्रश्न इसमें और किया, क्या जा रहा है, किसको जा रहा है, और जब क्या और किसको का आंसर ना मिले, क्या और किसको का आंसर ना मिलता हो तो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि इनसे दोनों से हमें ऑब्जेक्ट प्राप्त होता है। इसका तात्पर्य हो गया कि इस सेंटेंस में हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। अब हम कब कहां कैसे का प्रश्न करते हैं, कहां जा रहा है और आया क्या बाजार, आई एम गोइंग टू मार्केट, मार्केट जाएगा तो बाजार जाएगा काम के लिए, जिस काम के लिए उसका निर्माण हुआ है वस्तु का या वर्ड का वही यूज हो रहा है, तो फिर हम उसका प्रयोग और उसके आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आशा है कि ये थोड़ा आपको समझ में आएगा। एक और देखिए, एक दिन एक छोटा लड़का नदी के किनारे फुटबॉल खेल रहा। आपने कहा सर ये तो आधा था, उससे तुलना तो ये हो गया। घबराइए मत, आपको घबराना नहीं है, जो मैंने बताया पहले तो आप उसको करिए, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब की पहचान देने वाला है।
और ये मैन वर्ग की पहचान देने वाला है खेलना। कौन खेल रहा है? एक छोटा लड़का। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एडवर्ब को अगर आगे दिया गया है, ये एडवर्ब है, तो हम उसको आगे भी रख सकते हैं और पीछे भी रख सकते हैं। वन डे लगा के कॉमा लगा देंगे, ये हमें प्राप्त हो गया, इसलिए आप लेते हो बॉय, ठीक है। इसको भी हमने प्राप्त कर लिया, यानी कि कहा था वही थे, यानी वहा जाएगा। प्ले का प्लेइंग हो गया। इसके बाद अब क्या खेल रहा है? फुटबॉल। तो ऑब्जेक्ट क्या प्राप्त होता है? ऑब्जेक्ट यानी कि फुटबॉल लगा दिया, फुटबॉल। अब कहाँ खेल रहा है? नदी के किनारे। प्ले फुटबॉल टू द रिवर साइड। बैंक ऑफ द रिवर भी लगा सकते हैं, रिवर साइड भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से आपने देखा कि बनाना बड़ा आसान होता है, बस आपको थोड़ा नियमों का कायदा आना चाहिए। और देखते हैं आगे। अब मान लीजिए उसने कहा कि राजा राम अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए देश बदल कर नगर भ्रमण पर जाते थे। सर ये तो तीन और उससे बड़ा हो गया, घबराइए मत। वाक्य को बनाते समय आपको यह बात जरूर मन में रखनी है कि घबराना नहीं है। घबरा गए फिर नहीं बने। आपने थे पहचान हो गई, पता चल गया भाई कि हेल्पिंग वर्ब की पहचान दे रहा हूँ, ये जाता मैन वर्ब हो गई, दो क्रियाएं हो गई। आपने कहा कौन जाता था? राजा राम जाते थे, ये सब्जेक्ट हो गया, हो गया। तीन चीजें क्लियर हो गई। अब अपनी प्रजा का हाल चाल। एक चीज होता है कि प्रीपोजिशन सुना होगा आपने। प्रीपोजिशन का काम होता है कि एक नाम का दूसरे नाम से संबंध बताना, और यह बीच बीच में आते हैं, जैसे अपनी प्रजा का हाल चाल। तो आपने देखा का लगा हुआ है जानने के लिए यानी और के लिए है, बदल कर और यानी पर। ऐसे प्रीपोजिशन भी ध्यान में रख लें। और अधिकतर वाक्य का स्ट्रक्चर जो होता है, इनको बनाने के बाद उल्टी दिशा में इस प्रकार से चलता रहता है। लेकिन सभी में नहीं ध्यान रखना, थोड़े वाक्य ऊपर नीचे भी हो जाते हैं, इसलिए आपको 100% 70% कह सकते हैं, 30% ऐसा नहीं कह सकते। आप सबसे पहले देखा कि अपनी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए, और कर्ता ये है तो पहले तो यहां बना दिया द किंग राम, द किंग राम, राम द किंग भी कर सकते हैं एक दस्तक बना करके। जाते थे वैन, अगर मैं यहां जाया करते थे करते तो यूसु का प्रयोग बहुत अच्छा हो जाता। किंग वैन जाते थे हां नगर विमान पर, टू टाउन विजिट नगर विमान पर, या टूर भी लगा सकते हैं, ठीक है। विजिट ऑफ टाउन अगर जगह होता तो वहां जाता। अब इसके लिए
कैसे जाते थे? भेष बदल कर और हाल चाल जानने के लिए। वेंट टू टाउन विजिट टू नो, क्योंकि इसका प्रश्न आता है कि पहले क्यों जाते थे, क्यों का आंसर पहले प्राप्त होता है टू नो, यानी कि टू नो लगा दे या फॉर से बन जाएगा टू नो या दा। टू नो द हाल चाल सिचुएशन, यानी कि सिचुएशन ऑफ अपनी प्रजा का, हिज सब्जेक्ट। एज कैसे भेष बदल कर बीइंग दिस गाइज लगा दो, बीइंग दिस गाइज लगा दीजिए या फिर एज अ डिस्गाइज, एज अ डिस्गाइज से भी है आपका आ जाएगा। तो आपने देखा कि बदल गया, बड़ा आसानी से वाक्य को हमने बना लिया और ऐसे ही बनते हैं वाक्य। बस आप ध्यान रखें कि एक वाक्य से और आ गया, एक साहसी लड़का, शेर को देखकर, एक साहसी लड़का शेर को देखकर वृक्ष पर चढ़ गया। आपने देखा, अभी आपको नॉन फाइनाइज भी पढ़ाया जाएगा, देखकर की सिचुएशन आ रही है। एक साइसी लड़का कौन, पहले तो यहाँ देख लीजिए, पहले तो मैं आपको इस समय केवल बता रहा हूँ कि क्रिया और कर्ता कैसे प्राप्त करेंगे। फिर क्रिया और कर्ता प्राप्त हो जाएगा फिर तो लंबे वाक्य बनाने की गारंटी मेरी है कि मैं आपको सिखा दूंगा। लेकिन पहले तो आप क्रिया और कर्ता को देखिए कहाँ मिलता है। आपकी चढ़ना एक क्रिया हो गई, गया की थोड़ी लगाएंगे, गया एक हेल्पिंग वर्ब को बताने वाला है, ये मेन वर्ब है। चढ़ना क्रिया हो गई, इसमें प्रश्न करें कि कौन लड़का, लड़का कैसा था, साइज यानी कि एडजेक्टिव हो गया और ये आपका नाम हो गया, सबको मिला करके एक आपका सब्जेक्ट बनता है, ठीक है, एक साइज ही लड़का। तो पहले इसको देख लें और इसको आगे रख सकते हैं, वो भी हम बता देंगे। पहले देखो इसको देख, जैसे अगर मान लीजिए courageous courageous वो आया, ठीक है, चढ़ गया, क्लाइम माने चढ़ना होता है, पास में लिवरेज है इसकी सेकेंड फॉर्म लगेगी, वृक्ष पर क्लाइम अप ऑन द ट्री, क्योंकि खड़ी चढ़ाई के लिए अपॉन का प्रयोग करते हैं, अप Seeing the line, यहां भी आ सकता है। तो अगर आप इसको चाहें तो एक फ्रेज के रूप में, जिसे पार्टिसिपेट फ्रेज कहते हैं, ऐसे ही बना सकते हैं, Seeing the line, a courageous climbed upon the wall, इसके बाद यहां लिख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको यह पहला चरण समझ में आया होगा। ट्रांसलेट बनाना आसान है लेकिन तब जब आप उसे बनाना सीख जाएं। शुरुआत में दिक्कत आई, मैं भी एक वीडियो और इसका लेके आऊंगा जिससे कि आप बहुत अच्छी तरह से स्ट्रांग हो जाएं। अभी मैंने इसमें केवल आपको बताया कि कर्ता क्रिया और मुख्य क्रिया को, हेल्पिंग वर्ब को कैसे पहचानेंगे, किस प्रकार से ढूंढेंगे। अब मैं बताऊंगा कि लंबे वाक्यों को कैसे बनाते हैं, ठीक है। उम्मीद है कि यह समझ में आया होगा, ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स पर आप लिख सकते हैं, मैं उसको देखूंगा और आप उसमें सुधार करूंगा और आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। बस आप मेरे साथ रहिए, मैं देखता हूं कि आपको इंग्लिश कैसे नहीं आती है। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे उसी पुराने बेहतरीन जोश के साथ।
फिर मिलते हैं, जय हिंद।